नमस्ते जी, आज मैं लेके आई हूँ ये आलू पराठे की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं झटपट। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च, 1 प्याज लिया है, ये 3 आलू ले लिए हैं, जिनको मैं अभी स्पून से मैश कर लूँगी। ये थोड़े गर्म है तो मैं हाथ से नहीं, स्पून से मैश कर रही हूँ। आप भी ऐसे करें, ये बहुत ईजिली मैश हो जाते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से मैश हो गए। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च को कट करके डाल दिया है। ये मैंने 1 प्याज को चॉप कट कर लिया है। यहाँ पे मैं 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार रख सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है, और ये मैंने जीरा पाउडर ले लिया है 1 चम्मच, और मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी लिया है। ये मसाले आप ज़रूर डालें, और बहुत ही कम मसाले डाले हैं मैंने। तो इसको अच्छे से मिक्स कर ले। ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे हम रिफाइंड ऑयल लेंगे। ये मैंने आटे को गूंद के रखा था, हमें बस इतना ही ढीला गूंदना है, जिससे कि हमारे आलू के पराठे फटते नहीं हैं और बहुत ही अच्छे से बनते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको घुमाते हुए लोई को बनाना है। ये देखिए, मैंने बीच में इसको दबा दिया है, जिससे कि हमारे आलू आसानी से भर जाए इसमें। आपको इस स्टेप से बनाना है तो आपके आलू पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए, मैं थम से दबाती जा रही हूँ और ऊपर से आटे से इसे ढकती जा रही हूँ। ये देखिए, आपको डबल लोई बना के पराठे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सूखा आटा ले लिया है मैंने, और मैं इसको फिर से थोड़ा सा फिंगर से प्रेस करके गोल घुमाऊँगी। ये देखिए, बेलन को हमें बहुत ही हल्के हाथों से दबाना है। ये देखिए, बहुत ही हल्के हाथों से कर रही हूँ, जिससे कि हमारे आलू पराठा फटे नहीं। ऐसे ये बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, और बहुत टेस्टी भी बनते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए, मैं इसको पलट दूँगी। हम यहाँ पे ऑयल लगा लेंगे। आप घी का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, मैंने दूसरी तरफ से पलट दिया है। गैस को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, और देखिए फूल भी गया है। देखिए, बहुत ही अच्छा बनाया है, और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। ये देखिए, देखिए हमारा पराठा सिक गया है, हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैं इसी तरह और सब पराठों को सेक लूँगी। तो देखिए, मैंने सभी पराठों को सेक लिया था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे बटर का यूज़ करें, बहुत ही टेस्टी लगता है, और अचार के साथ खाएं। तो ये देखिए, लग रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे हमारे पराठे, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें।